स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि 7 चरणों में देश के अंदर चुनाव होंगे। बात उत्तर प्रदेश की अगर करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी 7 चरणों में ही वोटिंग होने वाली है और जो फर्स्ट फेज है वो 19 अप्रैल को है, जिसमें पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर पहले ही चरण में वोटिंग होनी है। यानी 19 तारीख को उत्तर प्रदेश की 8 सीट और उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। जो दूसरा चरण है 26 अप्रैल को है, 7 मई को तीसरे चरण का मतदान है, 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होगी। पोल फेज 1 विल डू इट इन 7 phases एज वॉज डन लास्ट टाइम। 7 phases। Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें Phase 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहाँ एक फेस्टिवल है तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है क्योंकि वहां त्योहार हैं और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी। एंड इन स्पाइट ऑफ दिस एडवाइजरीज यू विल सी हाउ द बीजेपी पीपल लीडर्स विल एक्ट, हाउ दे विल अब्यूज अटैक टू अदर ओपोजिशन पार्टीज, दिस इज देयर एंड नेचुरली others may also do to some extent, but anyway let us see. Now we can't say, it is only election commission is hardly 2 days born, so in future what is going to happen, how they are going to behave impartially, and I hope, I expect that they should behave impartially, there should be level playing ground. That will help the country and real democracy, the spirit of real democracy should be shown. Sir, he has chosen your constituency as first political rally, sir, Kalburgi, on the same day. और इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, जनता के मन में क्या चल रहा है ये जानना भी बहुत जरूरी है। इस वक्त कुछ सहयोगी हमारे साथ है, विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीतीश भी इस वक्त हमारे साथ है, रामानुज इस वक्त हमारे साथ है और गाजियाबाद से पीयूष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी के पास आपको लेकर चलते हैं, लेकिन पहले आपको लखनऊ लेकर चलते हैं नीतीश के पास, चूंकि नीतीश अगर लखनऊ की हम बात करें तो 20 मई को यहां पर 14 सीटों पर जो मतदान होने जा रहा है उसमें लखनऊ सीट भी शामिल है। लखनऊ की जनता के मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर, बातचीत करिए आप। प्रेजेंट टाइम को जो देखते हुए मोदी जी सुपर है, सबसे बढ़िया है। साहब मुद्दों की बात कर लेते हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप लोग? सर देखा जाए तो मोदी जी काम तो काफ़ी अच्छा किए हैं, लेकिन बस यही है थोड़ा सा जो महंगाई का जो काम है, विकास के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दे पर। हाँ और भी कुछ लोग हैं, चाचा क्या कहना है आपकी मोदी सरकार? अभी देखिए और भी लोग हैं, युवा भी हैं, आप बताइए। जैसे कि अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को टैबलेट और फोन वितरण किए गए हैं, तो उस तरह से देखा जाए सरकार कहीं ना कहीं युवाओं के बारे में सोच रही है। राम नाम का संदेश कितना गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है? राम नाम का संदेश तो पूरे विश्व में गूंज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हाल ही में बहुत सारे देखा होगा मंत्रीगण भाजपा में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं राम नाम की गूंज। आप बताइए किस तरह के मुद्दे युवा वर्ग क्या सोच रहे हैं? भाई सर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं दर्शाती है कि भारत एक विश्व के उच्चतम पायदान पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं मोदी जी का इसमें प्रभाव जरूर है। लेकिन विपक्षी गठबंधन भी दावे कर रहा है, तमाम तैयारियां कर रहा है जमीन पर, क्या लग रहा है सफलता मिलेगी? उनका भाई सब जिम्मेदारी है, विपक्ष का भी कि तैयारी करना ही चाहिए उनको, और सफलता नहीं मिलेगी, प्रयास करना चाहिए। अच्छा, युवा किन किन मुद्दों पर, खासतौर पर अगर बिंदुवार हम जाने तो किन किन मुद्दों पर वोट करेगा? रोजगार पर करना चाहिए, विकास पर करना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो अपनी संस्कृति है उसको बचाने पर भी करना चाहिए। आप बताइए किन किन मुद्दों पर? सुशासन पर, जिससे कि देखा जाए कि हाल ही जब से योगी जी की सरकार आई है तो काफी सुशासन रहा है। आप बताइए योगी जी की जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में,
उसकी तो मतलब जितनी प्रशंसा कर दी जाए वो कम है, क्योंकि योगी जी जब से सीएम बने हैं और उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी थे वो कहीं ना कहीं भयभीत होकर आधे से ज्यादा दर्जन जेल में हैं, बाकी फरार हैं। कुछ और भी लोग हैं, आप देखिए यहाँ पर युवा हैं, आप भी बता दीजिए किन किन मुद्दों पर वोट करेंगे। पहले तो एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, क्योंकि बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस काल में श्री राम भगवान जी का मंदिर बनके तैयार हुआ है। राम नाम के मुद्दे पर वोट करेंगे आप? ठीक है नीतीश, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। विवेक भी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं। विवेक कभी रुक कर लेते हैं। विवेक, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है, यहाँ के सियासी समीकरण को भी समझाइएगा, और आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है तो वहां पर जनता के जहन में क्या मुद्दे हैं आप बखूबी समझ रहे हैं। लोग अगर आसपास आपके जो मौजूद हैं ये अपने मुद्दे शेयर करना चाहें तो बातचीत करिए इनसे। बिल्कुल आकांक्षा, मैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हूं और यहां पर जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि आखिर विपक्ष क्या सोचता है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। आप बताइए कि अगर मुद्दों की बात करें हम तो भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम मुद्दे हैं, वो राम मंदिर लेकर आए वो कहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास क्या है? देखिए, अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो भाजपा कह रही है हमारे पास, सबसे बड़ा मुद्दा जो इलेक्टर बॉन्ड है, अभी उससे भाजपा एकदम बेनकाब हुई। देश का सबसे बड़ा घोटाला भाजपा ने किया। अगर हम जमीनी बात करें तो यहाँ पर जैसे लखनऊ की बात करें तो यहाँ लखनऊ का कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा? लखनऊ में देखिए, लखनऊ में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो से लेके और क्या नाम है 10-90 से लेके और स्टेडियम तक जो भी योजनाएं दे दी हैं, चाहे यहाँ के रक्षा मंत्री जी भी हों, यहाँ से सांसद हैं, बगल में कौशल किशोर जी सांसद हैं, इनकी मेयर लगातार हैं, कोई भी नाली की लगातार नाली सारी सीवरों की समस्या है, उसका हल कहीं नहीं हुआ है। यानी मूलभूत समस्या है। आपको क्या लगता है लखनऊ में क्या समस्या है? लखनऊ में भैया आप देख ही लीजिए, पहली बात तो गंदगी, गंदगी नालियों में, पीछे झाड़ू लग तो रही है, यहाँ तो झाड़ू लग रहा है, अभी झाड़ू लग रहा है, लेकिन और जगह पे आप देख लो नाली नाली एकदम सब चौक है, और दूसरी बात उद्यम, यहाँ की स्थिति देखो, उद्यम कुछ है नहीं, नौकरी कुछ है नहीं, रक्षा नौकरी कर रहे हैं, नौकरी आप युवा हैं जी, नौजवानों में बड़ी नाराजगी है जो है, कहते हैं युवा पीढ़ियों में, और जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी की जब से 2014 में सरकार आई सिर्फ झूठ बोल के सरकार आई है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, और चाहे जो है बढ़ते हुए अपराध हो, और जिस तरीके से अभी भाई साहब बोल रहे थे कि क्या कहते हैं विकास का मुद्दा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछली गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी ने जिस सरकार ने काम किया है, कोई भी सरकार उस तरीके से काम नहीं किया है, ये सिर्फ जो है नाम बदलने का काम ये कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी, लेकिन जब आदमी वोट डालने जाता है तो ये सब मुद्दे गौण हो जाते हैं। पिछले चुनाव में भी हमने देखा ये भी यही मुद्दे थे पिछले चुनाव। देखिए आपकी बात ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ कि आदमी को एक नशा सा हो गया था मोदी का, अब वो नशा कहीं न कहीं बेरोजगारी, क्या अभी नशा नहीं है वो जो आप नशे की बात कर नीचे आप बातचीत वापस लौट रहे हैं। देखिए जनता के जहन में इस वक्त क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर वोट डालने वाली है जनता, यही जानने की कोशिश हमारे तमाम सहयोगी कर रहे हैं, सभी का एक एक करके वापस से रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, चूंकि आज तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज से प्रारंभ हो रहे महापर्व, आम चुनाव में आप सभी मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन, पीएम मोदी जी के संकल्पों से संवेद होते हुए आज पूरे देश में जनगण का मन #, फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज से उत्प्रोत है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आपकी बार एनडीए 400 पार के संकल्प की सिद्धि जरूर प्राप्त होगी, आप सभी मतदाता इस महायज्ञ में मतदान रूपी आहुति देकर इसे सफल बनाएं, भारत माता की जय। सीएम की तरफ से ये पोस्ट की गई है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो उधर सीएम धामी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद, 19 अप्रैल को देवभूमि उत्तराखंड में मतदान, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता पर पूर्ण विश्वास है, प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर मोहर लगाएंगे, राज्य की सभी सीटें प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, जीत का दावा भी करते हुए सीएम धामी आपने इस ट्वीट के जरिए। रामानुज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, 5 सीटें हैं उत्तराखंड के अंदर लोकसभा की, पांचों को देखा जाए फर्स्ट फेज में ही वोटिंग होनी है, अब ऐसे में क्या आपको वहां पर यह लग रहा है कि जो राज्य के मुद्दे हैं वो हावी है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, या फिर जिस तरह से राष्ट्र मुद्दे हैं
उनको लेकर भी चीजें वहां पर देखने को मिल रही है, वो आपसे अभी जानेंगे, लेकिन इस वक्त प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ईवीएम एट दैट पॉइंट इन टाइम, फिर इस लोकसभा चुनाव के बाद हमें परिवर्तन देख सकते हैं, क्योंकि ये कमेटी की रिपोर्ट अब आ गई है, अब सरकार को उसमें फैसला। ये तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात है, मतलब इसका इलेक्शन कमीशन से कोई वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होगा, जो एक्ट का प्रोविजन होगा, उसके अनुसार चुनाव कराएगा, हर स्थिति में चुनाव कराएगा। सर, आपके अनाउंसमेंट का जो है देश को इंतजार था, पार्टीज को इंतजार था, और सारी तरफ से अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं सारे, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, सब ने स्वागत करा है आपके अनाउंसमेंट का। लेकिन एक जगह से जम्मू एंड कश्मीर से जो है ये आवाज आ रही है कि जहां देश में वन नेशन वन। रामानुज लगातार हमारे साथ बने हुए, रामानुज का एक बार फिर से रुक करते हैं। रामानुज, क्या मुद्दे वहां पर हावी नजर आ रहे हैं? जनता पर्चा क्या राष्ट्र मुद्दे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा काफी है, फिर विपक्ष को देखते हुए क्या लोगों के जहन में चल रहा है? बिल्कुल आकांक्षा, उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है, और यहाँ पर ये यहाँ के जो युवा हैं उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर में राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा हावी होंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा होगा या विपक्ष का मुद्दा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, और मोदी जी ने जिस प्रकार से विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस उनकी उस विकसित भारत की जो गारंटी है उसको लेकर के हम आज के दौर में माननीय मोदी जी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। और गारंटी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए रोजगार? मोदी जी ने उत्तराखंड की हमेशा चिंता की है, चाहे हमारे उत्तराखंड की जो मेन हमारे आय के साधन हैं, हमारे चार धाम हैं, चार धाम की में उन्होंने बद्री केदार का जो काम किया है, ऑल वेदर के माध्यम से धामों तक सड़क पहुँचाने का काम मोदी जी ने। पर्यटन बड़ा मुद्दा है, उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि भी, सभी दृष्टि उत्तराखंड का मोदी जी की, और उत्तराखंड की सरकार ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों का जो मूलभूत सुविधाएं बहाल की और ग्रामीण क्षेत्रों का जो विकास किया और जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनको अंतिम छोर तक पहुंचाने का जो काम किया, इस वजह से जो है बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र। और आप क्या सोचते हैं क्या मुद्दा रहेगा? देखो, मोदी जी ने पहले कहा कि 21 दशक जो उत्तराखंड का होगा, और वो है, और उत्तराखंड की जनता इतनी प्रफुल्लित है कि इस टाइम जो की प्रदेश का मुद्दा ही रहेगा, आप भी मानते हैं जी? मोदी जी ने जो है जो हमारे देश में जो है राम मंदिर बनवाया, जो इसमें जो है करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके लिए हम सब जो है मोदी जी को वोट करेंगे। देखिए आकांक्षा, दोनों मुद्दे हैं कि स्थानीय स्तर पर चाहे रोजगार है, पर्यटन है, साथ में यहाँ पर जो विकास की योजना है वो भी, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखेंगे तो राम मंदिर या फिर दूसरे जो मुद्दे हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तीन ही बातों को ध्यान में रख करके यहाँ की जो जनता है वो 19 अप्रैल को मतदान करेगी, और इन्हीं मुद्दों के साथ में पॉलिटिकल पार्टी भी आम लोगों के बीच में। रामानुज, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ, पीयूष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पीयूष का भी रुख लेते हैं। पीयूष, वहां पर जनता से आप बात करिए, तारीखों का ऐलान हो चुका है, जनता क्या कह रही है? मैं चुनावी तारीख की घोषणा हो चुकी है, लोगों के मन में क्या चल रहा है सीधी उनसे बातचीत करते हैं। ऐलान हो चुका है तारीखों का, क्या कुछ मुद्दे हैं वोट डालते समय जो एक आम वोटर के मन में रहे? देखिए, जब राष्ट्रीय चुनाव होता है तो स्थानीय मुद्दे तो गौड़ हो जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो जनमानस से जुड़े हुए हैं, उन पे ध्यान दिया जाता है, उसके आधार पे हम लोग वोट करते हैं कि उससे क्या फायदा हो सकता है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे रहेंगे सबसे बड़ी चीज सुरक्षा का, सबसे बड़ी चीज एजुकेशन का, जो टैक्स पेयर वर्ग है हम लोगों का, तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा सुविधा मिले, सुरक्षा मिले, और पीयूष आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही, आपके पास वापस लौटेंगे। तो देखिए, तमाम जगहों पर जनता के मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश हमारे सहयोगी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए लिखा है, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये साफ तौर पर देख रहा हूं कि आने वाले 5 साल हमारे उस सामूहिक संकल्प का कालखंड होगा जिसमें हम भारत की अगले 1000 वर्ष की विकास यात्रा का रोडमैप तैयार करेंगे। ये समय भारत के सर्वांगीण विकास
समावेशी समृद्धि और वैश्विक नेतृत्व का साक्षी बनेगा। मुझे मेरे देशवासियों के विशेष रूप से गरीब किसान युवा और नारी शक्ति के आशीर्वाद से असीम शक्ति मिलती है। जब मेरे देशवासी ये कहते हैं कि मैं हूँ मोदी का परिवार, तो इससे मुझे विकसित भारत के निर्माण के लिए और ज्यादा मेहनत करने का उत्साह मिलता है। हम विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। मनीष का भी रुख कर लेते हैं। मनीष, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जनता के मन में क्या है? आकांक्षा आपको बता दूं, आगरा में 7 मई को इलेक्शन होगा, यानी कि वोटिंग होगी और ये तीसरे चरण का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का। 7 मई को आगरा लोकसभा सीट और फतेहपुर सीट जो लोकसभा सीट है उसमें वोटिंग होनी है। यहाँ पर एसपी सिंह बघेल भाजपा की तरफ से यहाँ घोषित प्रत्याशी है। वही फतेहपुर सीट से राजकुमार चार जो है वो घोषित प्रत्याशी है। एसपी सिंह बघेल वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री है और राजकुमार चार किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये दोनों सीटें अहम हो जाती है इस बात को लेकर। मनीष, अब ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या लग रहा है? क्या वहां पर भी राष्ट्र मुद्दे ही हावी है? जनता पर चेहरा देखकर लोग वोट करने वाले हैं, या फिर अगर वहां के सियासी समीकरण को समझा जाए तो किस तरह के सियासी समीकरण बने हुए हैं वहां पर? देखिए, सियासी समीकरण की अगर बात करें तो चाहे वो फतेहपुर की लोकसभा क्षेत्र हो या फिर आगरा का क्षेत्र हो, यहाँ पर चौथे नंबर पर हमेशा से बहुजन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट रहा है, यानी कि दलितों की राजधानी भी कहा जा सकता है। समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो कमतर काफी दिखाई देती है। ठीक है, समाजवादी पार्टी ठीक है मनीष, आपके पास मैं वापस लौट रहा हूँ। एक बार फिर से विवेक के पास आपको लेकर चलते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में इस वक्त विवेक मौजूद हैं। विवेक, जरा कुछ और लोगों से आप बातचीत करिए, किस तरह की तैयारी है यहाँ पर, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर अभी मौजूद होंगे जिनसे आप बातचीत कर पाएंगे, उनसे जानिए जरा। अब तो बहुत कम समय रह गया है। बिल्कुल आकांक्षा, बहुत सारे लोग हैं समाजवादी पार्टी के और आज महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है समाजवादी पार्टी की, चूंकि बहुत सारी सीटों का 26 सीटों का फैसला भी होना है। सपा नेता भी हैं सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और आज चुनाव की घोषणा हो गई है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन को हम लोग जिताने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का बहुत विरोध है। आज से भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या होंगे सर? देखिए, मुद्दा विकास, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे जो हैं हम लोग लेकर क्षेत्र में जाएंगे। तो अभी 26 सीटों के नाम भी बाकी हैं, प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए, बहुत जल्द आ जाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर लोकसभा क्षेत्र के नेताओं को, वहाँ के पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सबको बुला के बात कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग की सूची आ जाएगी। बहुत जल्द सूची आ जाएगी। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए मैडम, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बीजेपी का घपला और बेईमानी हर जगह दिख रही है, आज आप देखिए चंदे के नाम पे किस तरीके से पूरे देश को ठगने का काम किया है। महंगाई किस कारण लगातार बढ़ती जा रही है, ये इनके जो चुनावी चंदे के नाम पे इन्होंने जो घूस लिए है हर जगह से। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। नीतीश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नीतीश, जरा आप कुछ और लोगों से बातचीत करिए वहां पर। देखिए आकांक्षा, जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, कुछ ही वक्त शेष रह गया है, अब कितनी तैयारी आप लोगों की, जनता की कैसी तैयारी? सर, तैयारी जो भी है वो सब पर्याप्त है और कुल मिलाकर आप बताइए किन मुद्दों पर? हाँ, मेरे हिसाब से जो कांग्रेस और बीजेपी में जो अंतर है एनडीए गवर्नमेंट में, कांग्रेस का जो है कि वो सब्सिडीज देती है और लोगों को लुभाती है, पर तरक्की के बारे में बात नहीं करती है। लेकिन अब देखा जाए कि दो कार्यकाल जो बीत चुके हैं एनडीए सरकार के, तो उसमें तरक्की का जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ी से रहा है। उसमें सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंट लोग बनाए, यंग लोगों से बोला है। ये जनता है आकांक्षा, और भी लोग हैं आपसे जानेंगे। अब चुनाव के लिए कुछ ही वक्त शेष है, जनता कितनी तैयार? जनता तो पूरी तरह तैयार है। हम लोग को तो वोट ही देना है और क्या करना है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? डेवलपमेंट पर, जो डेवलपमेंट, जो भैया जो सरकार जिसने क्या काम किया है इसी के रिगार्डिंग होगा भाई, और क्या होगा।